हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ डिलीशियस वेज पिज़्ज़ा। उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर लिया था मैदा, जो कि था 3 कप, और उसमें डाला हमने सबसे पहले चीनी, फिर डाला नमक और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। साथ में हम डालेंगे कर्ड, दही। दही डालकर हमें इसको भी अच्छे से गूंदना है। उसके बाद डालेंगे पानी। उसके बाद हमें इसका अच्छा सा एक सॉफ्ट सा डो लगाना है। फिर इसको अच्छे से कवर करेंगे और 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। आफ्टर 2 आवर्स हमारा डो रेडी हो चुका है। उसको हम अच्छे से फिर से थोड़ा सा गूंदेंगे और उसकी एक अच्छी सी बड़ी रोटी बनाएंगे। उसके ऊपर छेद करेंगे और तवे पर सेकेंगे। थोड़ा सा ही सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना, ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। हमारा पिज़्ज़ा का बेस रेडी हो चुका है। उसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, अच्छे से स्प्रेड करेंगे। उसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़, कैप्सिकम, ऑनियंस डालेंगे, कॉर्न, पनीर, उसके ऊपर डालेंगे फिर से चीज, ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स। यहाँ पर यूज किया है ड्राइड रेड चिली, उसको ही काट कर मैंने उसके ऊपर डाल दिया। 15 मिनट आपको पिज्जा को ग्रिल करना है और उसके बाद आपका गरम गरम फ्रेश पिज्जा रेडी होगा। और ये इतना टेस्टी बनता है, इसमें कोई कच्चापन नहीं आता। अगर आपको ये लगता है कि हाँ हम घर पे पिज्जा बनाते हैं वो थोड़ा कच्चा रह जाता है उसका बेस, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप पहले ही उस बेस को पका लो थोड़ा सा और उसके बाद उसका कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।